हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम यूपीएससी और जीपीएससी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी वर्सेस जीपीएससी हम देखेंगे। यूपीएससी क्यों इम्पोर्टेंट है, जीपीएससी क्यों इम्पोर्टेंट है, दोनों को क्या क्या इम्पोर्टेंस है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोनों का एग्जाम पैटर्न, दोनों का कंपटीशन लेवल, दोनों का सर्विस लेवल, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सब देखने के लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर इसी टाइप के वीडियो आपको जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सिविल सिग्नल। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो है वो जीपीएससी एग्जाम्स पर मिलेंगे। अब जीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि जीपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो चुका है, अगस्त में इसके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे एंड नवंबर में इसका एग्जाम है। ठीक है, और यूपीएससी का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो अब उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है जीपीएससी एग्जाम में, और उनको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे यूपीएससी एंड जीपीएससी एग्जाम में वो मैंने आपको बता दिया है। अब यूपीएससी क्या है, जीपीएससी क्या है, पहले तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, ऑल इंडिया लेवल पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। दूसरा एग्जाम है जीपीएससी, जिसका मतलब होता है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है वो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, केरला, मतलब कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस में होता है। लेकिन जीपीएससी का एग्जाम सिर्फ दो ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है, इंग्लिश में या फिर गुजराती में। ठीक है, ये इंग्लिश भी अभी 4-5 साल पहले ही ऐड हुआ है, उसके पहले ये जीपीएससी एग्जाम जो था वो सिर्फ गुजराती लैंग्वेज में था। अब इसके इंग्लिश लैंग्वेज के इंक्लूड होने के वजह से बेनिफिट बढ़ गए हैं, तो वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देख, सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, कंपटीशन लेवल में कैसे डिफरेंस मिलेगा हमको, और लैंग्वेज में तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी और डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। देखो, इसके पहले आपको यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। यूपीएससी का एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को ये एग्जाम था। अब यूपीएससी का नया कैलेंडर रिलीज होगा अगले ईयर के लिए, जिसमें जून में वापस से एग्जाम होता है। इसका एग्जाम हर साल जून जून में ही होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, इसमें भी GS1 और GS2 दो सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, दूसरा जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। पहला जो पेपर होता है 200 मार्क का होता है, दूसरा भी 200 मार्क का होता है। दो दो घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर। अब जो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया। लेकिन जो GS Paper 2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको सिर्फ 33% इसमें क्या करना होता है, स्कोर करना होता है। ये इसका प्री का पैटर्न होता है। जो मेंस का पैटर्न क्या होता है, इसमें 8 टोटल एग्जाम्स होते हैं, जिसमें एक कंपलसरी कोई इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप गुजराती ले सकते हैं, या आप यूपी बिहार इधर से तो हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा पेपर कंपलसरी इंग्लिश का होता है, तीसरा ऐसे का होता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे टोटल करके ये पेपर्स होते हैं, कितने, 8 पेपर्स होते हैं। तो ये तो हो गया प्री प्लस मेंस यूपीएससी का पेपर। अब जीपीएससी का एग्जाम कैसे इससे डिफरेंस होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जीपीएससी के प्रीलिम्स का भी पेपर कितने मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का होता है, और इसमें GS1 और GS2 दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों ही 180 180 मिनट्स के होते हैं, मतलब 3 आवर्स का एक पेपर होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा क्वालिफाइंग होता है या पहला क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि जो सीसेट का एग्जाम यूपीएससी में अलग से होता है उसमें ये इसमें नहीं होता। इसमें GS1 में ही सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर होता है। ठीक है, फिर पॉलिटी होता है और हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग होता है। ठीक है, फिर दूसरे वाले पेपर में आपका ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है, और फिर साइंस एंड टेक होता है, और करंट अफेयर्स होता है। तो ऐसे करके टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो दो पेपर में डिवाइड होते हैं। और 400 में से कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है, तो वैसे तो जाता है 120 मेल के लिए जाता है, 100
फीमेल के लिए गया था लास्ट ईयर, लेकिन अलग अलग कट ऑफ जाता है। मैंने इस कट ऑफ का भी अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, वो मैं आपको आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगी, या फिर एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है जीपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन की सिविल सिग्नल चैनल पे, वहां से भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया हमारा जीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ की बात हो गई। अब जीपीएससी मेंस में देखो क्या होता है। मेंस में इसके सिर्फ 6 पेपर होते हैं, यूपीएससी की तरह 8 पेपर नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो पेपर 1 होता है, जो यूपीएससी में इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, यहाँ कंपलसरी गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, उसके लिए आपको या तो गुजराती लैंग्वेज थोड़ी सीखनी पड़ेगी, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा ऐसे गुजराती लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो उसको ही रिजेम्बल करती है। फिर तो दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तीसरा ऐसे होता है, और 3 जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा गुजरात का जो स्टेट लेवल का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी होता है वो पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। टोटल 900 मार्क्स का जीपीएससी मेन्स का एग्जाम होता है। ठीक है, अब यूपीएससी के ऊपर जीपीएससी दोनों में कंपटीशन किस में ज्यादा है? देखो, ऑब्वियसली यूपीएससी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी, जीपीएससी में आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी। यूपीएससी में आपको ज्यादा प्रिविलेज मिलेंगे एज कम्पेयर टू जीपीएससी, लेकिन यूपीएससी में आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, जीपीएससी में आपको कंपटीशन काफी ज्यादा कम मिलेगा। पैटर्न यूपीएससी एंड जीपीएससी का सेम है, जो क्वेश्चंस का लेवल होता है जीपीएससी का वो यूपीएससी जैसा ही होता है। यूपीएससी से इजी इजी होता है, लेकिन वैसे ही ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4, 1 2 3 एंड 4, तो कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, और इसमें भी जीपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, यूपीएससी में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, लैंग्वेज यूपीएससी आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जीपीएससी आप इंग्लिश और गुजराती दो ही लैंग्वेज में दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो आप ये जीपीएससी का जो एग्जाम फॉर्म है अगस्त में रिलीज होने वाला है, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप नॉन गुजराती भी हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्री में तो लैंग्वेज का बैरियर है ही नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, तो प्री अगर आपका क्लियर होता है तो आप गुजराती सीख लीजिए, आपको एक पेपर के लिए गुजराती सीखनी है। उसके अलावा आपको बरवल में तो हिंदी भी चलेगी, गुजराती भी चलेगी, और दोनों लैंग्वेज आएगी तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको देखनी है। यूपीएससी और जीपीएससी के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, मैंने आपको बता दिया। यूपीएससी में प्रिविलेज ज्यादा होते हैं जीपीएससी के कंपैरिजन में, लेकिन यूपीएससी में ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन होता है, जीपीएससी में सिर्फ स्टेट का कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है यूपीएससी से और जीपीएससी से रिलेटेड। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जीपीएससी एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को काफी रिजर्वेशन गुजरात गवर्नमेंट देती है, और फीमेल्स के लिए बहुत ही कम यहाँ पे कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था यूपीएससी और जीपीएससी में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।